है देखो पानी, तो गंगा नदी यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचा भाग है, इसलिए यहाँ पर पानी एंटर हो गया है और काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी अमेजिंग फील हो रहा है मुझे तो। ये देखो गंगा नदी यहाँ पर मिली हुई है, काफ़ी गजब का व्यू आ रहा है, अमेजिंग व्यू आ रहा है, क्या मैं बोलूँ इसके बारे में। आप आओ अभी, मज़ा लो यहाँ पर आकर के पानी का, देखो मैं क्या मिला। ये क्या है? फेमस नाश्ता है कचौरी, जलेबी, सब्जी और राय। हैप्पी जन्माष्टमी, कैसे हो आप लोग? भाई आई होप कि अच्छे हो गए। तो अभी मैं हूँ ठीक कृष्ण मंदिर के बाहर जो कि है पटना सिटी में। ये देखो अपनी बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पर। सो भाई आ गया हुआ है मंदिर के अंदर, तो वो गजब का डेकोरेशन है। और एक बार अपनी बाइक को चेक कर लेता हूँ। ये देखो बाइक सामने एक लड़का खड़ा, पता नहीं यहाँ पर बाइक बहुत चौड़ी होती है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहता है। तो चलो आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो पंडित जी है यहाँ पर, पंडित जी ने मुझे प्रसाद दे दिया, टीका भी लगा दिया है, तो मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। पंडित जी पहले ही साइड हो लिए हैं, तो दर्शन कर लो आपको, आप लोग यहाँ पर। वो कृष्ण जी हैं और साथ में हैं राधा जी। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। तो साथ में राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी भी हैं। ये देखो हनुमान जी भी हैं यहाँ पर। और ये देखो राधा कृष्ण और दुर्गा माता की एक और मतलब मूर्ति है यहाँ पर। और यहाँ पर दर्शाया गया है दुर्गा माता के 9 रूपों को। तो आप लोग दर्शन कर लो। और ये जो मतलब पिक्चर है हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, राम जी की और पिक्चर यहाँ पर लगी है, राम जी, सीता जी, हनुमान जी। दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। A few moments later. So, यहाँ देखो भाइयों कचौड़ियाँ तली जा रही हैं। तो बिहार का एक काफ़ी फेमस नाश्ता है कचौड़ी, जलेबी, सब्जी और रायता, तो मैं वही स्पेशली खाने आया हूँ। तो अभी जब मैं यहाँ पे आया तो प्रिपरेशन चल रही थी क्योंकि टाइम हो रहा है सुबह का, तो कचौड़ियाँ तली जा रही हैं। देखो साथ में जलेबी भी है, सब्जी भी है और रायता भी है। और काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ लगी रहती है सवेरे से लेकर के दोपहर तक खाने के लिए। ये देखो यहाँ पर जलेबियाँ तली जा रही हैं। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी वीडियो को पहले देख पाओगे। तो अंदर का एक देख लो आउटलुक। तो टाइम है ब्रेकफास्ट करने का, जलेबी आने वाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो गाइस गंगा नदी में अगेन आ गया फ्लड, मैं मरीन ड्राइव की ओर बढ़ रहा था बट ये देखो मुझे रास्ते में क्या मिला। ये क्या है? तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बाढ़ है आई थिंक। और ये देखो बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है, इन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाढ़ जो पानी आ जाता है उसको भी लोग बच्चे जो है एंजॉय करते हैं। देखो किस तरह से ट्रैक्टर पार कर रहा है, उसके बगल में बच्चे जो होता है थोड़े से पानी में नहा रहे हैं। तो गंगा नदी बिल्कुल सामने में दिख रहा है और वो देखो इसका पानी जो है, पानी कहाँ तक है जी, मतलब बाउंड्री लेवल पार कर गया है, उधर नहीं है पानी, थोड़ी सी मतलब और ऊंचाई रहेगी तो सिटी में घुस जाएगा ये पानी। ये देखो तो गंगा जी का लेवल जो है वो काफी ऊपर आ गया है। तो ये देखो बच्चे किस तरह से एंजॉय करते हैं और कुछ लोग पार कर रहे हैं। तो मैं भी जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं मतलब इधर गया तो मेरे जूते पूरे गीले हो जाएंगे, तो मैं रिटर्निंग में जाऊंगा, थोड़ी शाम हो जाएगी तब जाऊंगा मैं सीधा घर, क्योंकि मैं अभी गया तो मेरे जूते जो है 100% जो हो जाएंगे गीले हो जाएंगे और उसमें मुझे रहना पड़ेगा पूरे दिन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या तैर रहा है बच्चा, देखो
अद्भुत नज़ारा गंगा नदी का। तो कुछ टाइम पहले भी था, ये है आपको महावीर घाट, बदर घाट के जस्ट पहले वाला पटना सिटी में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शाम में दिखाऊंगा, तो चलो चलते हैं मरीन ड्राइव की ओर और देखते हैं क्या है नज़ारा बाढ़ के पानी का। तो देखो यहाँ पर तो बाढ़ का पानी ज़रा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, क्लीन एंड क्लियर। हाँ, दिक्कत ये हो गई है कि थोड़ा अंधेरा हो गया है और यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो देख लो, ये है यहाँ के इंतज़ाम, और ये देखो ये है गवर्नमेंट की पार्किंग। तो जब से ये बना है तब से लोग यहाँ पर बाइक को कार को पार्क करते हैं, दुकान भी खोल लिया है, ज़मीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, अपना घर बना लिया, दुकान खोल लिया है। तो ये है हमारे पटना की स्थिति, और कुछ भागों पे तो मतलब हज़ारों गाय बंद दी हैं लोगों ने। मतलब ये है सरकारी प्लेस, लेकिन उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, ज़मीन का पेपर तक बना लिया है काफ़ी लोगों ने, जो कि फ्रॉड होता है। अब लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखो गंगा नदी का पानी देखो कितना लेवल ऊपर आ गया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर आ गया तो मतलब सड़क पर आ जाएगा पानी। सो वाटर लेवल इतना भी नहीं है ऊपर जैसा लोग बताते हैं कि खतरा फील हो रहा है, अपना शहर मतलब काफ़ी ऊपर है। और ये देखो यहाँ पर पानी आ गया है, तो हम लोग जो दिन में यहीं पड़ते हैं और अब क्रॉस करते हैं, देखो पानी। तो गंगा नदी यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचा भाग है, इसलिए यहाँ पर पानी एंटर हो गया है, और काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी अमेजिंग फील हो रहा है मुझे तो। ये देखो गंगा नदी यहाँ पर मिली हुई है, काफ़ी गजब का व्यू आ रहा है, अमेजिंग व्यू आ रहा है, क्या मैं बोलूँ इसके बारे में। आप आओ अभी, मज़ा लो यहाँ पर आकर के, अगर आप पटना में रहते हो तो। दिक्कत यही कि बस ये इतना ही था। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो चलो आपको मरीन ड्राइव जो होता है पटना सिटी वाला पूरा का पूरा दिखाई देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स के ऑप्शन लगे हैं, काफ़ी सारे कार्ट लगे हैं यहाँ पर लाइट्स के साथ। तो आप लोग को अगर खाना पीना है तो ये जो जगह है इस जगह का नाम है महावीर घाट। तो आप यहाँ पर टाइम पास करने आ सकते हो, हैंगिंग आउट अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। देखो काफ़ी सारे मतलब फैमिली वाला इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी फैमिली है यहाँ पर, काफ़ी लोग होते हैं। मतलब शाम को एक अलग ही मतलब नज़ारा होता है यहाँ पर, फैमिली भी होती है, दोस्त लड़के लोग भी होते हैं, लड़कियाँ भी काफ़ी होती हैं। तो एक टाइम जब मैं तो यहाँ पर बचपन से रह रहा हूँ, तो एक टाइम यहाँ पर काफ़ी मतलब सन्नाटा रहता था, लेकिन जब से ये मरीन ड्राइव सड़क बनी है तब से यहाँ का जो है मतलब नज़ारा ही चेंज हो गया है, इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं। बट ये दिक्कत ये सारे सरकारी ज़मीन पर है, ये गंगा आरती की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो इतने जितने लोग दिख रहे हैं, पहले इतने लोग यहाँ पर नहीं पाए जाते थे। टाइम के अनुसार जैसे जैसे कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, और लोगों की भीड़ स्पेशली शाम को तो यहाँ पर कुत्ते तक नहीं आते थे, इतना मतलब ख़तरनाक लगता था। एक टाइम था जंगल थे, लोग गंदगी मचाते थे यहाँ पर, इतना मतलब सुबह का काम करने लोग इधर ही आते थे। तो मैं आपको एक और मतलब नज़ारा दिखाता हूँ यहीं से, ये गायघाट का नज़ारा है। तो गायघाट से मरीन ड्राइव से मतलब गायघाट की आने वाली जो ये जो रास्ता है, तो ये देखो सामने बिल्कुल गायघाट का नज़ारा, ब्यूटीफुल व्यू आता है बिल्कुल। तो आप लोग भी मतलब मज़ा ले सकते हो। देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट्स जो होती है वो चल रही हैं, जैसे जैसे आप जाओगे आगे तो अंधेरा होता जाता है। ये देखो यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन है, काफ़ी सारे लोग हैं इधर, फैमिली है, काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं। तो जगह है गायघाट, अगर आप लोग को गंगा आरती का मतलब आनंद उठाना है, भक्तिमय हो, तो आप यहाँ पर आकर गंगा आरती का मज़ा ले सकते हो। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, ये देखो यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हैं, काफ़ी सारे लोग बैठकर देख रहे हैं। कभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोग कभी और कैप्चर करेंगे। हाँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा, पूरी की पूरी आरती आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अच्छा होता है, मैंने देखा है। और ये देखो ये है कपल एरिया, यहाँ पर काफ़ी सारे कपल आपको मिलेंगे पेड़ के नीचे इधर हमारे लेफ्ट साइड में। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है अपना मतलब मरीन ड्राइव पार्ट 2, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब फूड कार्ट लगे हुए हैं,
लोग खाने पीने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, हैंग आउट करने आते हैं। सो वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। शाम का टाइम है, थोड़ा मतलब डार्कनेस ज़्यादा बढ़ रही है। अभी तो मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि वीडियो में मतलब लाइटिंग कितनी आ रही है, जब मैं इसको एडिटिंग करूँगा तब देखते हैं। सो ये देखो गंगा नदी का नज़ारा, मतलब लोग इंजॉय कर रहे हैं। अगर भुट्टा वुट्टा मतलब हर तरह के मतलब खाने का ऑप्शन है यहाँ पर, आइसक्रीम से लेकर के भुट्टा, चाउमीन से लेकर के कचौरी, सब कुछ है इधर। तो इधर जन्माष्टमी चल रही है तो आप लोग नॉनवेज मत ही खाओ। सो अगेन आ गए हम लोग उसी पार्ट पर जहाँ पर है फ्लड यानी कि बाढ़। छोटा सा पार्ट है, इसको बाढ़ नहीं कह सकते, बट मुझे तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है यहाँ पर बाइक चलाना। तो वीडियो में तो आप एक बार देख रहे हो, दो बार देखोगे यहाँ पर रिटर्न। मैं काफ़ी बार यहाँ पर अप डाउन कर चुका हूँ, चार पांच बार इधर से उधर, क्योंकि मैंने कैमरे को सेट नहीं किया हुआ था इसलिए आप नहीं देख पाए। ये देखो यहाँ से एंटर हुआ है बाढ़ का पानी, पानी को देखो तो इतना पवित्र जल है, अगर किसी में छींटे भी पड़ जाते हैं तो कोई गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि ये गंदा पानी नहीं है, गंगा का पानी है। और यहाँ पर झूला लगा हुआ है, शायद कोई मेला है। तो गंगा नदी का पानी तो लोग, अगर आप दूसरे शहर में रहते हो जहाँ गंगा अवेलेबल नहीं है, तो लोग यहाँ पर बेचते हैं बॉटल में ले जा करके, और काफ़ी कॉस्टली मिलता है गंगा का पानी। मैंने मुंबई में देखा था, काफ़ी कॉस्टली इसके प्राइस था, एक बिल्कुल छोटी सी बॉटल। और अमेरिका में और जो भी यहाँ के इंडियंस हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, तो उन लोगों के पास देखो पानी का क्या भाव रहता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है गंगा नदी का पानी। सो गाइस अब देखो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल आ गई है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है मरीन ड्राइव का नज़ारा, बिल्कुल अंधेरा है। तो चलो घर की ओर मुड़ते हैं, ये राइट टर्न जो रास्ता है सीधा अपने घर की ओर जाती है, लेकिन बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है। सो भाई वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा डार्कनेस की ओर बढ़ रहा है। तो वीडियो को यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ स्टॉप। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट भी करो, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करो।